नमस्कार, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों से संबंधित टॉपिक पर। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें जो जानकारी दे रहे हैं, यदि आप वह सुन नहीं पाते हैं तो कहीं बाद में पछताना ना पड़े। सभी अतिथि शिक्षक 31/7/2024 देर रात तक यह काम अवश्य कर लें, नहीं तो कल ज्वाइनिंग लेने में परेशानी होगी। जी हां, यह जो हम बता रहे हैं यह अत्यंत आवश्यक है। आपको करना क्या है, सभी अतिथि शिक्षकों को सबसे पहले तो आपका जो पासवर्ड है उसे लॉगिन आईडी में सहित ही अच्छे से संधारित कर लें, सुरक्षित रख लें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, आप पासवर्ड और यूजर नेम के माध्यम से अपनी आईडी में लॉगिन 31/7/2024 के पहले करके जरूर देख लें। इसके बाद आपका तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, यदि आपका पासवर्ड भूल गया है, आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो 31 जुलाई 2024 देर रात के पहले आप इसे पुनः रीसेट कर लें और नया पासवर्ड बना लें। क्योंकि यदि आप 1 अगस्त के बाद नया पासवर्ड बनाने का प्रयास करते हैं तो आपको परेशानी आएगी, क्योंकि 1 अगस्त 2024 को पोर्टल पर एक साथ कई अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग लेने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण पोर्टल में अत्यधिक भार होने के कारण आपको समस्या आ सकती है और आपके पासवर्ड बनाने में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आप अनिवार्यतः 31 जुलाई 2024 देर रात तक यह काम अवश्य कर लें, जिससे आप बड़ी आसान तरीके से 1 अगस्त या 2 अगस्त तक ज्वाइनिंग अपनी GFMS पोर्टल पर कर लें। हम एक शीघ्र ही नया वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करना है ज्वाइनिंग लेते समय। उस वीडियो को अवश्य देखिए, इसके बाद ही ज्वाइनिंग लीजिए, क्योंकि वह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं।